गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि डिफरेंट करेंसी पेयर्स कहाँ कहाँ ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले आते हैं डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स अभी है 101.99। कल मंडे जहाँ पे हमारा इंडियन मार्केट क्लोज था, उस टाइम पे डॉलर इंडेक्स थोड़ा अप जाने का प्रयास किया, जहां से आपका 101.65 से 102.25 तक गया था। अभी हल्का सा सॉफ्ट है। यहाँ पे दिखने वाला बात क्या है कि डॉलर इंडेक्स अभी डबल बॉटम ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है, लेकिन इसके बाद कंसोलिडेशन का जो प्रेशर है, मोमेंटम है ऊपर जाने का, थोड़ा सा हल्का है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका कंसोलिडेट करने का प्रयास करेगा। हियर टू सिनेरियोस आर देयर। वन सिनेरियो इज कि ये जो रिसेंट स्विंग लोज है, जहां पे डबल बॉटम बनाया हुआ है, वहां से उसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आने का। दूसरा वाला, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ का हायर लेवल है 102.80। इसके ऊपर अगर चला जाता है तो थोड़ा सा अप मूव टुवर्ड्स 104 कर सकता है। अगर आप वीकली प्राइस एक्शंस देखोगे, यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। प्रीवियस वीक में आपका एक पिन बार बनाया हुआ है, पिन बार या डोजी, नॉट एग्जैक्टली द पिन बार बट द डोजी। इट्स सो डोजी के मतलब क्या है, आफ्टर ए रैली फ्रॉम 105.50 से एक फॉल होने के बाद एक डोजी बना। डोजी का मतलब यही है कि पॉज कैंडल्स बिलो द लो सेल ऑफ, ऊपर अबव द हाई थोड़ा सा पुल बैक। सो यहाँ पे हमें इंतजार करना पड़ेगा ये डोजी कैंडल का, इसके बाद ये डोजी कैंडल के बाद कहाँ पे प्राइस मूव करता है। एंड मंथली पे जो हम देख रहे हैं, मंथली पे ये है एक आपका रेंज शिफ्ट। तो दैट बीइंग द केस, एनी अपटिक मे बी सोल्ड इन दिस केस। हालांकि डॉलर इंडेक्स कोई ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है नहीं, सो इसका एक व्यू लेके अदर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। डॉलर रुपी अभी है आपका 81.75। लास्ट ये आपका 81.60 के आसपास फिर दोबारा सपोर्ट ले चुका है। और आप आरएसआई देखोगे, आरएसआई आपका 140 पे सपोर्ट ले रहा है। इसको अगर नीचे के तरफ जाना है इन सच ए केस, आपका यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेड कलर का लाइन के साथ बनाया हुआ है। सो अगर नीचे जाना है तो कन्विंसिंगली ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। लेकिन इनविजिबल हैंड्स आर एक्टिव एट लोअर लेवल्स, सो जब तक वो थोड़ा सा साइड जाके बैठते नहीं है, तब तक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मंथली पे आप देखोगे कि मंथली पे आपका एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये है आपका लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एक आपका, आप देखोगे कि एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है, मींस आने वाले महीनों में, मीन्स सिंस इट इज ए लॉन्गर टाइम फ्रेम, आने वाले महीनों पे ये आपका जब ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करेगा, कैसे करेगा, समथिंग लाइक दिस। समथिंग लाइक दिस इस ट्रायंगल के अपर जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर जाके क्लोज देगा। इन सच ए केस एक जबरदस्त अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज मंथली क्लोज नहीं दे देता है, तब तक सेफ है। ऑन द कॉन्ट्रारी, आपका नीचे के तरफ थोड़ा सा हम काफी सपोर्ट लेवल है। एक तो है आपका 81.50 में, दूसरा वाला है आपका 80.90 पे, और तीसरा वाला है आपका 80.50 पे।
लेकिन इतना शार्प हमें सेल ऑफ एज ऑफ नाउ लग नहीं रहा है। इसका मेन कारण क्या है? इन्फ्लेशन। अभी जीबीपी डॉलर पे आते हैं, जीबीपी डॉलर पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे बैठा हुआ है, 1.2507 एज ऑफ नाउ है। इसको अगर ऊपर की तरफ जाना है इन सच ए केस, इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर एक नजर हायर टाइम फ्रेम में डालते हैं तो आप देखोगे कि मंथली पे क्या है, एक रेंजशिप लेके ऊपर गया है, और ऊपर जाने के बाद अप्रैल मंथ में जो प्रीवियस मंथ का हाई है उसके हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। अभी जैसे ही फॉलो थ्रू होगा, यानी अप्रैल मंथ के हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, इन सच ए केस मंथली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं, 1.32 एज द फर्स्ट टारगेट एंड 1.37 एज द सेकेंड टारगेट। सिंस वी आर डिस्कसिंग मंथली टाइम फ्रेम, इन सच ए केस ये काफी टाइम लेगा, इमीडिएटली नहीं होने वाला है। वीकली अबव 60 चला गया है, अभी एक के जैसे ही प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोज दे देगा, एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट बीइंग द केस, बाय डिप मे बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। इमीडिएटली इस लेवल पे बाय नहीं करना है, रेदर फर्स्ट मे का जो हाई है दैट इज 1.25605 है, सो टू बी सेफ फ्यू पिप्स हायर 1.2560 के ऊपर हम बाय बिल्डअप कर सकते हैं। रेद और बाई डीप में कोई प्राइस एक्शन अगर हमें मिलता है तो वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर में भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको रेजिस्टेंस लेने दीजिए, हमें प्राइस एक्शन का देखना पड़ेगा। डेली में एज ऑफ नाउ इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस ऑल्सो एट RSI 6। एक नजर हायर टाइम फ्रेम पे आपका मंथली टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 एंड वीकली अबोव 60, करेंटली एट 63.39। दैट मीन द केस ये जो इमीडिएट जो एक जोन है 103.75 से 105.50, इस जोन में एक रेजिस्टेंस मिलने का हायर प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे है। दैट मीन द केस यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक प्राइस क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यूरो डॉलर में भी एक रेजिस्टेंस जोन पे है, RSI इज आल्सो फेसिंग रेजिस्टेंस एट 60। मंथली पे ये आपका सेंटर बैंड के ऊपर जाके प्रीवियस मंथ में क्लोज दिया है, लेकिन ये जो अप्रैल महीने का क्लोजिंग है वो आपका फेब्रुअरी मंथ के हाई के ऊपर नहीं है। इसको पहले फेब्रुअरी मंथ के हाई के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज देना था, अगर इसको काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाना है। सो दैट मीन्स दैट इस मंथली टाइम फ्रेम में और थोड़ा कंसोलिडेशन या हेजिटेशन हम देख सकते हैं टू मूव रैपिडली टुवर्ड्स द हायर एंड एंड। बट आपका जो वीकली टाइम फ्रेम है वो उसमें क्या हो रहा है, इट इज RSI इज एट 66, सो यहाँ पे थोड़ा सा हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन द केस यहाँ पे बाई डिप्स के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। यूरो आईएनआर एक रेजिस्टेंस जोन पे है, RSI इज आल्सो टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60। क्विकली आपका अबव 60, 66.74 एंड मंथली इज आल्सो जस्ट क्रॉस्ड अबव योर 60, नाउ एट 62.47। बट प्राइस के हिसाब से एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको अगर ऊपर जाना है तो पहले इस 91.00 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। डॉलर येन 137.35 है, काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव यहाँ पे हमने देखे हैं। वीकली आप देखोगे, वीकली आपका अप्रोचिंग 60, तो थोड़ा सा इमीडिएट ये जो 138.50 लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। मंथली में ये होवरिंग अराउंड 60, व्हाट इट मींस कभी ये रेजिस्टेंस लेने का प्रयास करे, कभी ये सपोर्ट लेने का प्रयास करे। सो यहाँ पे एक क्लैरिटी मिसिंग है, इस एरिया पे एक क्लैरिटी मिसिंग है आपका। सो इसको पहले क्लियर करना पड़ेगा एज फार एज द RSI इज कंसर्न, कि मैं 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा हूँ या 60 पे सपोर्ट ले। सो मंथली पे थोड़ा सा डाइसी है, इट इज रेडी टू मूव
on either directions. Weekly pay immediately approaching 60, so little bit of resistance. एंड आपका डेली पे ये जो हाई है आपका 8 मार्च का हाई है उसके आसपास थोड़ा सा हॉल्ट हो सकता है. एन आईएनआर पे आपका काफी सेल ऑफ देखा गया पिछले 2-3 ट्रेडिंग डेज में और इमिडिएटली आपका 8 मार्च का लो के यहाँ पे बैठा हुआ है. अभी इसका एक हायर टाइम फ्रेम में सब एक ऑब्जर्व कर लेते. हायर टाइम फ्रेम में भी ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है एंड यहाँ पे एक एम पैटर्न का ट्रिगर होने का प्रयास है. सो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका प्राइस अगर ऐसा फॉल हो के फिर दोबारा यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेके फिर स्विंग लो को क्रॉस करता है, ये लेवल आपका एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया बन सकता है. वीकली में भी आपका एट 43, सो इमीडिएटली 40 के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट लेने का प्रयास कर सकता है. सो अभी हमें यहाँ पे इंतजार करना है एज फार एज द वीकली टर्म्स आर कंसर्न. क्या इंतजार करना है कि आपका सपोर्ट लेवल को तोड़ता है या नहीं, एक बार तोड़ने के बाद फिर दोबारा रेजिस्टेंस लेता है या नहीं, ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा. इन सच ए केस अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वन कैन प्ले फ्रॉम द शॉर्ट साइड. कलर कैन बी अभी है 135.40. ये आप देखो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन था 135, 135.25 एंड सेकंड रेजिस्टेंस था 136.50. ये पहले वाला रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया है, देयर बाय एक इंक्लाइंड डब्ल्यू बनाया है. डब्ल्यू बनाने के बाद फिर यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेके दोबारा एक सपोर्ट ले रहा लेने का प्रयास कर रहा है 135, 135.25 में. So, हमें यहाँ पे टू प्रोबेबिलिटीज है, क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर जाएगा एंड स्विंग हाई को तोड़ेगा, जिस स्विंग हाई को तोड़ेगा ये हमें देखना है, या ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा. सो टू प्रोबेबिलिटीज के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा. ऑसी डॉलर कंसोलिडेट कर रहा है, आपका जो रेंज है 0.68 ऑन द हायर साइड एंड 0.6550 ऑन द लोअर साइड, इसको कंसोलिडेट करने दीजिए. बट आरएसआई टर्म्स में ऐसा लग रहा है कि बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है, रेंज शिफ्ट टाइप ऑफ थिंग्स इज देयर. सो इसका थोड़ा प्राइस एक्शंस और भी कन्विंसिंगली देखना पड़ेगा. डॉलर सीएनएच जो कंसोलिडेट कर रहा था विद इन द मदर कैंडल ऑफ 13 मार्च, 13 मार्च के मदर कैंडल के अंदर में काफी दिनों से, बहुत सारे दिनों से, ऑलमोस्ट आपका मोर देन 1 कैलेंडर मंथ के ये मदर कैंडल के अंदर में ही ट्रेड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया. दैट मींस इस ब्रेक डाउन ब्रेकआउट करने के बाद अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये है आपका 7 में 7 में एंड आरएसआई इज आल्सो लिटिल बिट ऑफ बुलिश, टुक सपोर्ट एट 60 60. सो यहां पे हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस ब्रेक 7 पे क्या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ब्रेक करने से और भी अपवर्ड मोमेंटम हम यहाँ पे देख सकते हैं. एक नजर वीकली एंड मंथली पे देख लेते हैं. मंथली टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 56 में है, सो इमीडिएटली एक बूम बूम करके ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटीज थोड़ा कम है. वीकली में भी इट इज अप्रोचिंग 60 करंटली एट 54.87. सो अ हायर एंड पे हायर टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस लग रहा है. सो यहाँ पे आपका 7 के आने के बाद शायद यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है. आपका यूके ऑयल यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन किया था. व्हाट द फॉल्स ब्रेकडाउन, एक इनिशियल रेंज था 89 ऑन द हायर साइड एंड 79 ऑन द लोअर साइड. 79 ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया नीचे की तरफ बट पिछले उसके बाद 2 दिन में इमीडिएटली नीचे आ चुका था, ऊपर आ चुका था. दैट मीन द केस दिस मे बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकडाउन ऑन द लोअर साइड. दैट मीन द केस यहाँ पे देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि इट में मूव टुवर्ड्स 88 89. अभी कल का जो प्राइस एक्शन बना है एक इनसाइड वर्ड बना है, जैसे ही कल के हाई के ऊपर प्राइस ट्रेड करना चालू करेगा देन ये ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं. सो हमें इंतजार करना पड़ेगा कल के हाई के ऊपर. कल का हाई दैट इज एट 80.20, उसके ऊपर हम एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूएस 10-ईयर ट्रेजरी आप 3.55 है, ये लास्ट वीक में थोड़ा सा डिप डाउन किया था एट 3.38, उसके बाद ऊपर की फिर दोबारा आ रहा है बिकॉज कल 3rd ऑफ मे FOMC रेडी सेशन से.
सो इसीलिए थोड़ा सा मीन्स ऊपर जाने का एक प्रयास कर रहा है कि बट वी नीड टू वेट फॉर द गाइडलाइंस। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी 4.12, ये भी बॉटम रिसेंट स्विंग बना के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि फिलहाल एक हायर हाई हायर लो बना रहा है, जो आपका यहाँ पे क्लियर नहीं है। 10 ईयर पे इतना क्लैरिटी नहीं है हायर हाई हायर लो का, बट 2 ईयर पे अच्छा खासा एक हायर हाई हायर लो बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कल के पॉलिसी रिडिसीशन के बाद क्या यह बरकरार रहेगा या नीचे की तरफ इस ट्रेंड को तोड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा कल के एफओएमसी डिसीशंस। इसलिए हमें इंतजार रहेगा। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट। आल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एट।